हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज ये वीडियो स्पेशली मतलब थोड़ा जानकारी के लिए बना रहा हूँ, ताकि मैं एक बार मतलब उस दिन फंस गया तो आप लोग भी सोच समझ के मतलब गाड़ी लॉक करना, या तो फिर कुछ प्रॉब्लम जो जो मतलब गाड़ी वाला या तो ड्राइवर लाइफ में होता है वो चीज़ आपको दो तीन चीज़ दिखाने वाला हूँ। उतना वो तो नहीं है, लेकिन जो मैंने पछताया आप वो गलती ना करें, क्योंकि वो गलती करने से बहुत भारी नुकसान होता है, इसलिए मैं अभी आपको दो तीन चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो बस इस साइड का लॉक करके हैंडीमैन उतर गया, तो बाद में मैं गाड़ी का अंदर था, मैंने गाड़ी ऑफ कर दिया था। गाड़ी ऑफ करने के बाद चाबी इधर ही रख दिया, और गाइस मैंने ग्लास एक ग्लास डाउन था तो ग्लास उठा के मैंने ये खींच के मैंने फिर क्या किया, इधर आके लॉक कर दिया। गैस अभी देखिए चाबी तो अंदर ही रह गया, तो बाद में लॉक तो खुलते ही नहीं है। गैस ऐसे करते 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 ऐसा दोबारा गलती मत करना, मेरे पास तो दूसरा वाला की है, तो मैं उसी लिए अभी लॉक कर दिया। तो बाद में क्या हुआ, आपको घर से करीबन 40-50 किलोमीटर दूर था, तो मैं फिर एक भैया को चाबी मंगवाया और मैंने खोला। और गैस बहुत लड़का लोग ये खोलने के लिए कोशिश किया, ये बीट उठा के ये उठा के वगैरह वो सब वो डंडा उंडा डाल के खोलने की कोशिश किया, नहीं हुआ। उसीलिए गैस ऐसा कोशिश मत करना, क्योंकि नुकसान अपना होता है। उसीलिए आप लोग गाड़ी लॉक करने से पहले आप लोग सोच समझ के लॉक करना, क्योंकि कहीं फंस गया तो बहुत बुरा हाल होता है। सामने जो होते तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर दूर होगा तो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा। मैंने बहुत बड़ा गलती किया उस दिन, तो बाद में की मंगवाया, पंचर हो गया था तो मैंने खोल के रखा था। तो गाइस आप लोग स्पेयर टायर बिल्कुल गाड़ी का अंदर, या तो अंदर नहीं पीछे साइड मत रखना, या तो फिर यहाँ पे हुड होता है, हुड में रखने से भी आप लोग लॉक करके रखना, क्योंकि अभी आदमी लोग बहुत वो होता है, ये टायर का दाम लगभग 15-16 हज़ार पड़ जाता है, तो इसीलिए ये टायर बाहर बिल्कुल मत रखना, क्योंकि टायर आदमी लोग गायब कर देता है। इसलिए मैंने यहाँ रखा था, अभी इसको मैं फिटिंग करूँगा और आपको फिटिंग करने का तरीका कुछ दिखाऊंगा गाइस कैसे फिटिंग। यहाँ पे इसका टायर जो परमानेंटली रखने वाला स्पेयर टायर, तो यहीं पे रखे क्योंकि बाहर में मत रखे। यहाँ पे देखिए इतना बड़ा बड़ा लॉक है, यहाँ पे कोई उतना आसान से निकाल भी नहीं सकता है, तो यहाँ पे भी लॉक है, उस साइड भी लॉक है। और यहाँ आपको देख सकते ये नीचे जो है यहाँ पे भी लॉक होता है, उसीलिए कोई निकल नहीं सकते। तो उसीलिए जहाँ पे स्पेयर टायर रखने का जगह है वहीं पे रखिए गाइस। छोटा मोटा वीडियो है गाइस जानकारी के लिए। तो गाइस मैंने यहाँ पे पहले वाला टायर लगा दिया, ये टायर खुल के वो स्पेयर टायर लगाया था, तो मैंने सोचा क्यों दोनों टायर एक साथ खराब करो, तो वो ये वाला पंचर वाला टायर बना के मैंने यहाँ पे फिटिंग कर दिया। तो गाइस आप लोग कमेंट में पूछ रहा था कि भाई जेक कहाँ लगा था, पिकअप में जेक कहाँ था, तो गाइस देखिए जेक एग्जैक्टली फिट कहाँ होता है, ये देखिए गाइस पत्ती में फिटिंग होता है जेक, तो मैं आपको दिख रहा हूँ, ये देखिए जेक पूरा पत्ती में फिटिंग होता है, ये देखिए अभी डाउन कर रहा हूँ, ये देखिए भाई लोग ने ये टायर भी स्पेयर टायर भी अच्छे से फिटिंग कर लिया। ये वाला लगा भाई नट, ये वाला लगाया ऊपर का नट लगाइए, ऊपर वाला ये नट लगा के फिटिंग कर दे ताकि गिर ना जाए, सेफ्टी रहता है गाइस यहाँ पे नट टायर रखने के लिए। और आप सकेगा तो थोड़ा एक स्पेयर वो सिकली लेके और साइड में आप बांध सकता है, क्योंकि आदमी लोग ये टायर स्पेयर टायर में बहुत नज़र लगाता है, तो इसीलिए आप लोग क्या करना है स्पेयर टायर में थोड़ा ध्यान देना गाइस, स्पेयर टायर गया तो भाई बहुत लॉस हो जाएगा। तो गाइस वीडियो में स्पेशली कुछ नहीं था, छोटा मोटा दो जानकारी था, तो किसी दो तीन बंदा ने कमेंट में पूछा था कि भाई जेक कहाँ लगता है, जेक कहाँ लगता है, जेक स्पेशली बोलेरो का पत्ती में ही लगता है, तो जेक जब देता है तो जेक के नीचे कुछ एक पत्थर या तो फिर काट का टुकड़ा कुछ देना। तो गाइस स्पेशली मतलब कुछ नहीं था, जो जानकारी था दो तीन छोटा मोटा, क्योंकि मैं पछताया तो आप लोग भी बिल्कुल ना पछताना, अपना गाड़ी से निकलने से चाबी वगैरह ध्यान से निकलना, क्योंकि सामने होने से तो कुछ नहीं, दूर जाने से आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मैंने एक बार पछताया, वो गलती को कोई भी ना करे, और बोलेरो पिकअप बस ठीक ठाक गाड़ी चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बीच में प्रॉब्लम दिया था, अभी ठीक ठाक है गाइस। और थोड़ा सपोर्ट कर दो यार भाई को, कंटिन्यू ओके भाई। किसी बंदा ने पूछा था भैया क्या हुआ वीडियो नहीं आ रहा भाई, थोड़ा प्रॉब्लम था, अब कंटिन्यू आएगा वीडियो, बस ये दो चार दिन में अभी मेरा चाय पत्ती का सीजन खत्म होने वाला है, बाहर जा रहा हूँ, मतलब कंटिन्यू सब्जी लोड है, तो आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो दिखाऊंगा गाइस, हिल से रिया का मजा मजा वीडियो दूंगा गाइस। थैंक यू।